हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मल्टीपल स्टॉक आइटम और मल्टीपल लेजर्स की बात करें तो आपको यहां पर टैली में दिखता नहीं है कहां से मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल स्टॉक आइटम्स बनाए जाएं, क्योंकि आप क्रिएट पे जाते हैं तो यहां आपको नजर आता है लेजर। तो ये लेजर पे जाते हैं जैसे ही और क्लिक करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा सिंगल लेजर ओपन होता है, और अगर आप यहां पर जाते हैं तो यहां पर आपको कोई ऑप्शन दिखता नहीं है लेजर का। यहां पर भी आते हैं तो आपको लेजर का तो ऑप्शन नहीं दिखता, वही पुराना ऑप्शन दिखता है जिसके थ्रू लेजर आपका खुला हुआ है। तो लेजर बनाएंगे कैसे, मल्टीपल लेजर या मल्टीपल स्टॉक आइटम की बात करें तो कैसे बनेगा टैली प्राइम के अंतर्गत, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है फिर बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये बहुत आसान है, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर आप है और सीधा सीधा ये एक ऑप्शन दिया हुआ है चार्ट ऑफ अकाउंट, ये आपको दिख ही रहा होगा। अब इसमें एच हाईलाइट है तो आप एच भी प्रेस करते हैं, प्रेस कर सकते हैं चाहे तो ये प्रेस कर दिया। अब यहां पर जैसे ही जाएंगे ना तो यहां पर आपको इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा। अब नीचे यहां पर आइएगा तो मल्टी मास्टर मिलेगा, तो मल्टी मास्टर पर चले जाइए। अभी हमें क्या करना है, मल्टी क्रिएट ही तो करना है तो क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर कौन सा डिसाइड करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हम सन्ड्री डेटर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप चूज कर लीजिए ऊपर और नाम लिखते जाइए। जैसे युवराज लिख दिया हमने, ये सन्ड्री डेटर पार्टी के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया वाई, ये युवराज लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे दूसरा सचिन, ये डेटर पार्टी है हमारी सारी, ठीक है, तो ये सचिन हो गया। तीसरा राम, तो ये भी डेटर पार्टी है, ठीक है। फिर यहाँ पे गौरव, तो ये भी डेटर पार्टी है। फिर यहाँ के, ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे के, तो ये भी एक डेटर पार्टी ही है, ठीक है, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, कुंदन कर देता हूँ, कुंदन। तो ये देखिए ये डेटर पार्टी हमारी होगी। तो इस तरीके से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स, ठीक है। अब स्टॉक आइटम की बात करें, इसको एंटर एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और स्टॉक आइटम की बात करें तो क्या करेंगे, तो स्टॉक आइटम के लिए हमको जाना होगा स्टॉक आइटम पर, ये आए और यहां पर आकर के एंटर करेंगे तो यहां पर भी आपको मल्टी मास्टर मिल जाता है, ठीक है। वही चार्ट ऑफ अकाउंट पे ही आपको जाना है, ठीक है, और ये मल्टी मास्टर पे जाके मल्टी क्रिएट कर लीजिए आप यहां से, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। और यहां पर सबसे पहले तो आप क्रिएट कर लीजिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राइस के अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो अभी हमने राइस यहां पे कर लिया, तो ऊपर यहां पे देख सकते हैं ये राइस आ गया है। अब क्या करना है, अब यहां पे लिख देता हूं बासमती, बासमती राइस हो गया ये, ठीक है। राइस के अलग अलग ब्रांड है और ये किलो में बिकेगा, तो ये किलो कर देते हैं और ओपनिंग क्वांटिटी यहां पे डाल देते हैं 600 किलो, ठीक है, और रेट डाल देंगे कि क्या रेट है, तो यहाँ पे रेट वगैरह चाहे तो डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 60 रुपए किलो, तो ये हो गया इस तरीके से। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और ब्रांड लिख देते हैं खुशबू, खुशबू कर देते हैं, तो ये भी एक ब्रांड है और ये भी किलो में ही बिकेगा, तो ये किलो कर देते हैं और ओपनिंग स्टॉक 700 किलो है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जो है बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं। तो ये दो स्टॉक आइटम एक साथ बना दिया मैंने, ठीक है, देख सकते हैं। तो राइस के दो ब्रांड हो गए, एक बासमती हो गया, एक खुशबू ये ब्रांड है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक आइटम या मल्टीपल लेजर्स भी आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।